बात भी कर रहे हो और वो परचेज कर लेगा, लेकिन अगर आप उससे सिर्फ परचेजिंग की बात करेंगे ना, तो उसे ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ उससे पैसा लेना चाह रहे हैं, आप उसके साथ और कुछ नहीं करना चाह रहे। मैं हमेशा समझाता हूँ कि जब भी आप सामने वाले की लास्ट क्लोजिंग करो ना, एक चीज जरूर आप उसको बता दो, उसको अगले एक महीने का एक मैप दे दो, सिंपल सा मैप दे दो कि इस मंथ आप उसके साथ कैसे कैसे काम करोगे। इससे दो फायदे होंगे, पता है क्या? पहला फायदा तो ये होगा कि उसका ध्यान इस चीज पर चला जाएगा कि हमारा इंटरेस्ट उसके पैसों में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट उसको आगे बढ़ाने में, तो वो हमारे साथ ट्रस्ट फील करेगा, हमारे साथ कनेक्टेड फील करेगा। दूसरा फायदा क्या होगा, वो काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ सिर्फ परचेज कर लेते हैं, तो परचेज करने से आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, परचेज करने से सिर्फ आपका एक महीने का पीवी आया है। लेकिन अगर वही आपका जो गेस्ट है वो अगर आपके साथ बिजनेस करने के लिए भी रेडी हो जाए, तो सोच के देखो आपका असली एसेट तो वो लीडर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो असली एसेट बनाना सीखो, जब भी लास्ट क्लोजिंग करो एक ट्रस्ट डेवलप करो, और ट्रस्ट डेवलप करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप सामने वाले के फ्यूचर प्लानिंग कर दो, सामने वाले को एक मैप दे दो कि किस तरीके से आप उसकी इनकम करोगे। देख सिंपल, सबसे बढ़िया सोचो, इस दुनिया में ना एक बात बोली जाती है कि ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर आप सामने वाले को इनकम बता दोगे ना कि तू ऐसे पैसा कमाएगा मेरे साथ, तो वो खुश है आपके साथ, और अगर आप वो नहीं बता पा रहे हो ना, तो वो आपके साथ खुश नहीं है, फिर कुछ भी हो सकता है, फिर वो डाउट में जा सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। अगर आपने उसे ये समझा दिया ना कि वो आपके साथ जुड़ने के बाद पैसा जरूर कमाएगा, और ये कैसे पॉसिबल है, जब आप उसका एक रोड मैप बनवा लेते हो। इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ, क्या करना है आपको, तुरंत उसको बोलना है कि काम करो, आप अपने सिलेक्टेड 20 गेस्टों की जिन पे आप विश्वास करते हो उनकी लिस्ट मुझे भेज दो मोबाइल नंबर के साथ, और मैं आपका स्ट्रक्चर बना के आपको भेजता हूँ। क्या क्या बोला आपने कि आप अपने 20 गेस्टों, अब आप रेडी तो हो ही, कल तक तो अपना सामान खरीद लोगे, तो अब आप क्या करो 20 लोगों की लिस्ट भेज दो मोबाइल नंबर के साथ, एक तरफ नाम लिखना, एक तरफ मोबाइल नंबर लिखना, और एक तरफ ट्रस्ट फैक्टर लिखना कि आप इन पे कितना ट्रस्ट है आपके और ये कितनी अच्छी दोस्ती है, और ये मुझे भेज दो, मैं आपकी स्ट्रक्चर बना के भेजता हूं। और मैं आपको बताता हूं कि पहले महीने आप असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे बनेंगे, या फिर अच्छा लीडर है जिसने 18,000 से ज्वाइन किया है, आपको मैं बताता हूं कि पहले महीने आप ब्रॉन्ज कैसे बनेंगे, और ये जेन्यून करना है, सच्ची नीयत से करना है उसके साथ। वो आपको लिस्ट भेजेगा, आप उसकी स्ट्रक्चर बना दो 3 लेगों की, इस लेग में इतना पीवी निकालेंगे, इस लेग में इतना पीवी निकालेंगे, और इस तरीके से आपका पहले महीने का इतना इनकम हो जाएगा। अगर आपने उनको ये प्रूफ कर दिया कि अगर वो पहले महीने में असिस्टेंट डायरेक्टर भी हिट करते हैं और पहले महीने में 3,000 की इनकम भी करते हैं, तो उन्हें ये तो रियलाइज हो गया ना कि मैंने 3,000 का सामान खरीदा और वो मेरी इनकम हो जाएगी, ये रियलाइजेशन हो गया। दूसरा फायदा बताता हूं, अगर मान लो एक दिन बाद वो नेगेटिव हो जाता है, आपको अगले दिन कॉल नहीं करता या नहीं उठाता, तब भी वो आपको कम से कम 20 अपने जानकार लोगों की गेस्ट लिस्ट देके चला गया, उसे पता भी नहीं चला कि वो आपको अपने 20 नॉन सबसे ट्रस्टेबल कॉन्टेक्ट की गेस्ट लिस्ट देके चला गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको तो गेस्ट लिस्ट चाहिए थी, नाम आपको उसका ऑलरेडी पता है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो उनको कॉल लगा के ये बोलेगा कि भाई तेरे पास मेरे दोस्त का कॉल आएगा उन 20 लोगों के पास, इतना समय तो उसके पास है नहीं। अब आपके पास एक गेस्ट लिस्ट आ गई। अच्छा सर, आप श्याम के दोस्त बोल रहे हैं, ये बिजनेस क्या है, रिकमेंडेशन का, आपको एक पुल बनाने के लिए एक जरिया मिल गया, सर श्याम के रेफरेंस से मुझे ये नंबर मिला है। सर आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम की आपको तलाश है, उन 20 में से अगर आपने 2 गेस्ट भी रेडी कर लिए, तो सोचो आपकी गेस्ट लिस्ट की प्रॉब्लम खत्म हुई कि नहीं हुई। आपको उसको पता भी नहीं चला, भले ही उसने परचेजिंग नहीं की, लेकिन उस केस में भी वो आपको कुछ ना कुछ जरूर देख गया। सर आप भी तो अपना समय दे रहे हो ना, आप भी तो अपनी मेहनत कर रहे हो ना, तो जब सामने वाले को अपना समय निकाल के दे रहे हो, तो उसका कुछ प्रॉफिट तो आप निकालना सीखो, उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो आप निकालना सीखो। सर एक घंटा दिया उसको, उसको इनविटेशन किया, फिर उसको मीटिंग में बिठाया, फिर उसका एक घंटे फॉलोअप किया, सर 2 घंटे के बदले अगर वो पीवी नहीं दे रहा, तो कम से कम 20 गेस्ट तो देके जाए, कुछ तो देके जाए। सर हमारे बिजनेस के लिए रिकमेंड आप बताओ, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको फोन करके बोलते हैं, बैंक वाले लोग होते हैं, एलआईसी वाले लोग होते हैं कि सर रिकमेंडेशन आपको हमारी, हमें कोई पॉलिसी वाले बता दो, बताते हैं कि नहीं। सर आपने फ्री में 20-20 लोगों का रिकमेंडेशन भी ले लिया, सोच के देखो, मजा तो आ रहा है आपको सबको, बहुत सारे लोग जबरदस्त मैसेज कर रहे हैं, लेकिन इसको अप्लाई करना सीखो, मैं बता रहा हूं मजा आ जाएगा। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपने किसी को 2 घंटे दिए, भले उसने पीवी नहीं लिया, लेकिन आपको 20 गेस्ट वो दे गया, आपका काम हो गया। तो 20-25 जितना आपको ठीक लगता है उतनी आपसे उसने उनसे कुछ गेस्ट लिस्ट बनवा लो। और मैं आपको बता रहा हूं 99% केस में ना आपको वो हाँ ही करेगा, 99% केस में वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। इस तरीके से आप सेल्स क्लोजिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। सिखाने को मेरे पास बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन पहले आप इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो करो जो बहुत सिंपल है।
अगर आप इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो करते हैं और इसको आप ज्यादा नहीं, मेरे कहने से 100 लोगों पे ट्राई करो गिन के। कितने लोगों पे ट्राई करो? आप गिन के 100 लोगों पे ट्राई करो, 100 लोगों पे आप ये प्रोसेस ट्राई करो और फिर आप देखो कि आपको कितना जबरदस्त रिजल्ट मिलता है और कितना आपको मजा आता है। कर सकते हैं सभी लोग? कर सकते हैं सभी लोग? चलिए, ये बहुत सिंपल तरीका था। अब आपको मैं कुछ, ये तो मैंने आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, अब मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है सेल्स क्लोजिंग में। ये कुछ रूल्स हैं, अभी तक तो मैंने ट्रिक्स बताई, टिप्स बताई, अब मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है? रूल्स क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी आप क्लोजिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बेस्ट क्लोजिंग करें, तो हमेशा टारगेट बना के क्लोजिंग करें। जब तक आपके पास कुछ टारगेट नहीं होते ना, आप क्लोजिंग में अपना 100% नहीं देते। देखो, जब हमें पता होता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आप अच्छे से समझ पाओगे। मान के चलो मैं आपको बोलता हूं कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ, मैं जयपुर में हूं, मेरा कोई भी, आप कोई भी लीडर है जो मेरे आसपास है, बोलता हूं चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं लेके चल रहा हूं, ठीक है? आप मेरे साथ चल देते, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 5 किलोमीटर तक मैं आपको पैदल चला रहा हूं। कितने किलोमीटर तक? 5 किलोमीटर तक। आप बहुत थक चुके हैं, आपके हाथ, आपके पैरों में दर्द हो रहा है भयंकर वाला। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि और कितना चलना है सर? मैंने कहा बस चलते रहो। आप क्या बोलोगे? सर मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं चला जाएगा। अगर वहीं पे आपको मैं बोल देता हूं बस 1 किलोमीटर और चलना है, तो आपके पैरों में चाहे कितना भी दर्द हो रहा है, आपके अंदर जान आ जाएगी, अरे 1 किलोमीटर ही चलना है, अरे बस 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 जल्दी से चलते हैं सर। और आपके बिल्कुल चलने का मन नहीं है, लेकिन आपको पता है सिर्फ 1 किलोमीटर और चलना है, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी चलने के लिए रेडी हो जाओगे और उस 1 किलोमीटर को कंप्लीट करोगे। यस और नो? सेम चीज है। आप जब टारगेट बना के काम करते हो ना, तो वो क्लोजिंग में आप अपना 100% देते हो। जैसे आपने वीकली टारगेट बना लिए कि मुझे, जैसे अभी चल रही, अभी आज क्या तारीख हो गई, आज 22 तारीख हो गई, अब आपने टारगेट ले लिया कि मुझे 25 मई तक मुझे इतनी क्लोजिंग करनी है, तो वो टारगेट लिख लो कि मुझे ये क्लोजिंग करनी है, तब आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे इतना पीपी इस डेट तक निकालना ही निकालना है। तो पहला क्लोजिंग का एक तरीका क्या है, अब तक तो मैंने ट्रिक्स बता दी सारी, अब मैं रूल्स बता रहा हूँ जिनसे आप बेहतर कर सकते हो क्लोजिंग को। पहला क्या है, टारगेट बना के क्लोजिंग करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, आपकी क्लोजिंग बेस्ट होगी, अपने आप आपके अंदर से 100% निकलेगा जब आप टारगेट लेना शुरू करो, पहली चीज। दूसरी चीज, 8/73 के रूल को फॉलो करो। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि 73% लोगों की ज्वाइनिंग 5 बार फॉलोअप करने के बाद, यानी जब तक आप 5 बार सामने वाले का फॉलोअप नहीं ले लेते, 5 बार सामने वाले को नहीं चला देते, तब तक ज्वाइनिंग नहीं आती। तो अब ये जो मैंने चीजें बताई हैं, इन सब चीजों के साथ में आप एक रूल को जरूर फॉलो करो कि आपको नंबर पे खेलना पड़ेगा और आपको बार बार लोगों का फॉलोअप करना पड़ेगा, बार बार लोगों को नीड क्रिएट करनी पड़ेगी, बार बार लोगों को अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी जाके लोग क्लोजिंग कर पाएंगे, तभी जाके लोग खरीदेंगे। तो इस रूल को जरूर फॉलो करें कि बार बार ट्राई करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों पर ट्राई करें, क्योंकि सिर्फ एक बंदे पर ट्राई करके आप मेरी जो ट्रिक्स हैं इनका बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। कम से कम 100 लोगों पर जरूर आप ट्राई करके देखें, टारगेट बना के काम करें। अगली चीज क्या है, जल्दबाजी ना करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी क्लोजिंग हमें क्या रहता है, कई बार तो हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि बस हमें ही समय नहीं होता, हम ही बस चीज को बड़ी जल्दबाजी में कर रहे हैं, तो ये जल्दबाजी का काम नहीं है, यहाँ आपको अपने प्रोस्पेक्ट को समय देना होगा। चौथी चीज क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है, कि कभी भी मांगने वाले एटीट्यूड से क्लोजिंग ना करें, हमेशा गिविंग एटीट्यूड से क्लोजिंग करें। जब इतनी सारी बातें करने के बाद, नीड क्रिएट करने के बाद, वैल्यू क्रिएट करने के बाद, अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद भी अगर आपका प्रोस्पेक्ट नहीं मान रहा है, तो उसके पीछे भिखारी ना बन जाए, ईश्वर मेरा लेवल छूट रहा है प्लीज कर लो ना, उसे छोड़ दें, बाकी के लोगों में फोकस करें। गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, कभी भी मांगने वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ ना कुछ दे रहे हो। जब तक आपके एटीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। एटीट्यूड का मेरा ये मतलब नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओ, अरे नहीं करना बाहर में जाओ, नहीं। आपका, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको परेशान नहीं होना है अगर इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका गेस्ट नहीं ज्वाइन कर रहा है, तो आपको तो उससे फायदा निकालना है। आपने 20 गेस्टों का फायदा निकाल लिया ना, फिर परेशान क्यों होना भाई? और कुछ नहीं मिला तो आपने 20 गेस्ट लिस्ट तो ले ली ना, उससे रेफरेंस तो ले ही लिए, तो फिर टेंशन क्यों लेनी? तो आपको परेशान नहीं होना है, एक गिविंग एटीट्यूड के साथ काम करना है, उससे आपकी क्लोजिंग और बेहतर होती है। क्योंकि जब देखो इंसान क्या होता है, हम जैसे सोचते हैं जैसा हमारा एटीट्यूड होता है वैसा हमें रिजल्ट मिलता है। तो कभी भी परेशान ना हो कि यार मेरे इस दोस्त ने ज्वाइन नहीं किया या ये ज्वाइन ही नहीं कर रहा, मेरा तो टाइम बहुत कम बचा है। नहीं, आप एटीट्यूड को सही रखें, चीजें अपने आप बदल जाएंगी। ओके, इस तरीके से आप अपनी क्लोजिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की क्लोजिंग ट्रेनिंग।